हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कप बेसन और सूजी का इतना टेस्टी नाश्ता कि जिसे भी आप खिलाओगे वो यही पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार होता है, और तो और इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा। आप इसे 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में ले लिया था ऑयल और उसमें आधा चम्मच सरसों के दाने डाल दिए, एक चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। ये फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो चुका था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन डाल दिया है, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से हरी मिर्च तीखे के अनुसार आप ले सकते हैं, और एक इंच आप अदरक ग्रेट किया हुआ डाल दीजिए तो दे सकते हैं। इसे डालने के बाद कुछ वेजिटेबल डाल देते हैं। एक गाजर को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है, साथ ही इसमें डाल देते हैं एक शिमला मिर्च को भी हम बारीक चॉप कर लिए हैं। दोनों को डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स तैयार होता है फ्रेंड, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से एक मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं फ्रेंड थोड़ा सा गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा चम्मच भरकर इसमें हम डाल देते हैं अमचूर का पाउडर। अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही तीखे के अनुसार ले लेते हैं रेड चिली फ्लेक, तो आधा चम्मच मैंने ले लिया है। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड के लिए अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से परफेक्टली मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने दो उबले हुए आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, उसे भी हम डाल देते हैं। डालने के बाद फ्रेंड अच्छे से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। तो दे सकते हैं, इसी तरह आपको इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 कप भरकर पानी ले लिया है, तो आप 1.5 कप इसमें पानी डाल दीजिएगा फ्रेंड। इसके आगे का प्रोसेस देखते जाइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो 1.5 कप पानी डाल करके इसे अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। इसमें जो भी लम्स है ना, उसे अच्छे से परफेक्टली मिक्स कर देंगे। बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी झटपट बनकर तैयार होती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अब इसमें उबाल आने लगे हैं। तो जब अच्छे से उबाल आने लगे तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने 1.5 कप पानी लिया था, तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसमें आपको डालना है 1/2 कप बेसन। अब डालने के बाद देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह अच्छे से घोल तैयार हो जाएगा आपका, और जो भी इसमें लम्स दिख रहे हैं फिर ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह अच्छे से पहले मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप सूजी। इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं, इसी तरह डालने के बाद गैस का फ्लेम आप इसमें लो कर दीजिए, पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और फटाफट इसे मिक्स करते रहेंगे। तो ये अच्छे से सूखने लगेगा तो हमारा परफेक्टली डो तैयार होने लगता है। तो लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा तैयार हो जाएगा। तो दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डो तैयार होने लगा है। जब अच्छे से ये सूखने लगे तो दे सकते हैं, समझ लीजिए आपका डो परफेक्टली तैयार हो गया है। जितना अच्छे से सूख जाएगा फिर उतना ही परफेक्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। अब देखिए, पैन ये छोड़ने लगा है, तो समझ लीजिए आपका नाश्ता। अब यहाँ पे दे सकते हैं, अच्छे से पैन ये छोड़ने लगा है। तो चलिए, अब इसे गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। अब इसमें थाली में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे आप डो चेक कर सकते हैं, देखिए इस तरह आप चेक कर लीजिए, अच्छे से रोल्स बनने लगे हैं। तो समझ लीजिए आपका परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। अब इसी के में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं थाली में। तो यहाँ पे देखिए, थाली में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है ताकि नीचे चिपके बिल्कुल भी ना। फटाफट आप इसे ट्रे में या फिर थाली हो तो दोनों में भी आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद फ्रेंड अब डो को हम इसमें डाल देंगे। तो दे सकते हैं, अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो जितने अच्छे से फैल जाएगा ना, उतने अच्छे से परफेक्ट इसमें तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप हाथों से भी इसे फैला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे, मैं आपको तरीका बता रही हूँ जिससे आप परफेक्टली इसे फैला पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए
ऑयल लगाने के बाद इस तरह से टैप टैप करेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट साइड साइड एकदम बिल्कुल भी प्लेन हो जाएंगे और अच्छे से परफेक्ट तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, अच्छे से परफेक्ट हमें तैयार कर लेना है और बहुत ही झटपट इस तरीके से बनकर तैयार भी हो जाता है फ्रेंड। तो फटाफट इसी तरह अच्छे से मैं प्लेन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो दे सकते हैं बिल्कुल स्मूथ प्लेन हो चुका है। इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ लगभग 8 से 10 मिनट पंखे के नीचे, अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो इसे नाइफ की सहायता से आप स्क्वायर शेप में काट सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में, जो भी आपको डिजाइन पसंद हो अपने तरीके से आप काट सकते हैं। तो इसे मैं स्क्वायर शेप में काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 लेयर्स इस तरीके से काट लिया है और 3 लेयर इस तरीके से, दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हाथों से मैं निकाल के दिखा रही हूँ, दे सकते हैं काफ़ी परफेक्ट हमारा शेप बन चुका है। तो ये देखिए, थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ मैं निकाल के दिखा रही हूँ फ्रेंड, दे सकते हैं बिल्कुल भी ये थाली में चिपके नहीं है। समझ लीजिए, आपका बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे फ्राई कर लेंगे तो और भी हमारा नाश्ता क्रंची और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। तो दे सकते हैं काफ़ी ढेर सारे हमारे इस तरीके से स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ ताकि और भी नाश्ता हमारा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से रख लिया है, 3 से 4 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए, उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं जितना इसमें आ सके फ्रेंड, उतना आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 जितना आ सके उतना डाल दी हूँ पैन में। बीच में हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, एक बीच में और डाल देंगे। तो आप डालने के बाद फ्रेंड इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। साइड साइड जो भी मिले हुए हैं मैं साइड कर लेती हूँ ताकि एक दूसरे से चिपके बिल्कुल ना। अब इसी तरह हम 1 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो दे सकते हैं एक साइड अच्छे से नाश्ता हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसी तरीके से पलट लेंगे। तो अलटते पलटते हुए फ्रेंड इसे हम 5 से 6 मिनट में काफ़ी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हम बना लेंगे। 4 से 5 बार हम इसे पलट के अच्छे से साइड साइड क्रिस्पी कर लेते हैं। तो दे सकते हैं कितना टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो देख रहे हैं हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी और चटपटा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी है, इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब भी आपका घर में कुछ चटपटा स्पेशल खाने का मन हो तो इस तरीके से आप बनाकर इंजॉय भी कर सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा चटपटा गर्मा गर्म क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हो चुका है फ्रेंड। आप इसे बेसन सूजी से बहुत ही चटपटा बना सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, यकीन मानिए आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लग रही हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो मेरी ज़रा से भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ऊपर से एकदम क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही चटपटा ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह बनाइए, इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।